हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। दिस इज द 50 डेज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एंड आज के जो लेक्चर है उसमें हम प्लेसेस इन न्यूज़ करेंगे और आज का जो हमारा फोकस एरिया होगा वो होगा द फर्स्ट एरिया विच वी आर गोइंग टू डू इज इडलिब। इडलिब जो है ये सीरिया के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है। ये जो ऑरेंज पार्ट है ये इडलिब प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है, ये जो व्हाइट पार्ट है ये टर्की को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो अलग अलग कलर्स हैं ये बताते हैं कि सीरिया में कहाँ पे किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये जो रेड एरिया है ये टर्किश बॉर्डर के पास जो एरिया है, यहाँ पे टर्की के जो बैग्ड सीरियन रिबेल्स हैं और जो टर्किश मिलिट्री है उनका ज्यादा यहाँ पे फोर्स है। एंड जो ऑरेंज वाला एरिया है, रस्ट कलर है ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जिहादिस्ट फोर्सेस और सीरियन रिबेल्स हैं। जो ये ब्लू एरिया है इट इज ऑफ द सीरियन गवर्नमेंट, और ये जो ग्रीनिश एरिया है इट इज ऑफ द कुर्दिश फोर्सेस। अब ये न्यूज में इसीलिए बार बार आता है क्योंकि यहाँ पे जो फाइटिंग है, जब से ये सीरियन वॉर चल रहा है 8-9 साल से, तब से यहाँ पे यही जो है फाइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्रश किया जा रहा है। यहाँ पे हयात तहरीर अल शम है, उनका काफी ज्यादा जो है यहाँ पे डोमिनेशन है। उन्होंने 2019 से जो है यहाँ पे इस एरिया को टेक ओवर करके वॉयलेंट एक वॉर के बाद इसको यहाँ पे टेक ओवर कर लिया हुआ है। ये जो HCHTS है, हयात तहरीर अल शम, ये जो है अलायंस है जिहादिस्ट ग्रुप्स का जो अलकायदा से 2016 में अलग हुए थे। तो अलकायदा से अलग होके अलग से एक फैक्शन बन गया था, वो जो है इस एरिया को कवर करते हैं। अब ये इडलिब का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जोरों शोरों से जो अलग अलग फोर्सेस है वो फाइट कर रही हैं, और यहाँ पे ये टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे लगता है। तो जिसके कारण अगर यहाँ पे कोई भी सीरिया में इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर यहाँ से जो लोग हैं वो डिस्प्लेस होके काफी ज्यादा टर्की में जाते हैं। टर्की में पहले ही ये जो ऐसे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो रिफ्यूजीज डिस्प्लेस होके जा रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इशू है टर्की के अंदर, प्लस टर्की जो है यहाँ पे डोमिनेट करता है और यहाँ पे भी डोमिनेट करना चाहता है। तो आपको याद रखना है कि इडलिब के बारे में अगर पूछा जाता है ये कहाँ पे है, तो ये सीरिया का एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है। तो अभी हमने टर्की डिस्कस किया तो हम थोड़ा सा टर्की के बारे में भी देख लेते हैं। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि टर्की का सीरिया के साथ बॉर्डर लगता है। टर्की जो है पहले ऑटोमन एम्पायर का सेंटर हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पे एक सेक्युलर रिपब्लिक जो है 1920s में केमाल अतातुर्क के अंडर फॉर्म हुई थी। तो हमें कंट्रीज को लेके कौन से वहां पे बॉर्डर लगते हैं ये बहुत जो है पूछा जा सकता है। तो इसका बॉर्डर लगता है ग्रीस के साथ, यहाँ पे ग्रीस है, ये पूरा जो ये आपको एरिया दिख रहा है दिस इज टर्की। तो यहाँ पे ग्रीस के साथ इसका बॉर्डर लगता है, इसका बुल्गारिया के साथ बॉर्डर लगता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर जॉर्जिया बुल्गारिया के साथ है, फिर जॉर्जिया के साथ है, फिर आर्मेनिया के साथ है, फिर ईरान के साथ है, इराक के साथ है, सीरिया के साथ है, और एक अजरबैजान के साथ भी इसका थोड़ा सा एनक्लेव है जो बॉर्डर करता है। तो ये 8 कंट्रीज जो है वो टर्की को बॉर्डर करती हैं। इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है और इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। तो ये भी फैक्ट जो है आपको जरूर याद रखने हैं। अगला जो एरिया काफी न्यूज में रहा है वो है रेड सी। ये न्यूज में इसलिए रहा था, तो ये हम वो वाली जगहें कर रहे हैं जो 2-3 साल के अंदर न्यूज में रही हैं। तो रेड सी जो है वहां पे सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था कि बहुत सारे यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व जो है वो रेड सी में पाया गया है। तो इसका नाम रेड सी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव ब्लूम होता है एल्गी का। एंड जब जो एल्गी मर जाते हैं व्हेन दे डाई, तो फिर उसके कारण जो है यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा रेड ही हो, लेकिन हाँ डोमिनेंटली रेड हुआ है तो रेड सी का नाम रखा जाता है बिकॉज ऑफ द एल्गी। पानी वहां पे जो है वो रेड नहीं है। अब ये जो रेड सी है इसका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, रेड सी जो है ये फॉल करता है बिटवीन एशिया एट दिस साइड एंड अफ्रीका एट दिस साइड। तो ये एक फॉल्ट डिप्रेशन है, वहां पे रेड सी फॉर्म हुआ है। ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्यूज कनाल है, यहाँ पे स्यूज कनाल है, वहां से लेके ये जाता है बेबल मंडेब तक, जो कि यहाँ पे फॉल करता है। जो स्यूज कनाल है
वो यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है. ये जो दो आर्म्स आपको दिख रही हैं नॉर्थ में एक्सटेंड हो रही हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है एंड दूसरी साइड पे है यहाँ पे बैबल मंडेब. तो ये जो है कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ. तो यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे बैबल मंडेब है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आता है और यहाँ पे जो गल्फ ऑफ स्वेज है यहीं पे फिर स्वेज कनाल फॉर्म किया है. स्वेज कनाल जो है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इसके लिटोरल कंट्रीज कौन सी हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, यहाँ पे आप देखिए जो बिल्कुल ये वाला आर्म जो एक्सटेंड होता है ये गोज टू इसराइल एंड फिर जॉर्डन. तो ये इसराइल और जॉर्डन भी कनेक्ट करते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है. उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरेबी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है आपको. फिर यहाँ पे है आपके पास येमेन और यहाँ पे फिर आपको दिखता है एरिट्रिया एंड यहाँ पे सूडान एंड यहाँ पे इजिप्ट. तो इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगला जो न्यूज में रहा है पोर्ट ऑफ दुकम, तो ये दो कारणों से न्यूज में रहा था. एक 2018 ने में इंडिया ने जो है इस पोर्ट को का एक्सेस इंडिया को मिल गया था फॉर मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट. तो ये कहाँ पे है, ये ओमान में फॉल करता है. तो आप देखिए ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान एंड यहाँ पे है अरेबियन सी. तो ये पोर्ट ऑफ दुकम जो है यहाँ पे इंडिया को मैरिटाइम स्ट्रैटेजी का ये पार्ट है कि इंडिया को यहाँ पे मिलिट्री यूज और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए इंडिया ये जो पोर्ट है यूज कर सकता है. तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चाइना की इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए इस पोर्ट का एक्सेस होना. दूसरा ये इसीलिए न्यूज में था क्योंकि यूएसए ने ओमान के साथ अग्रीमेंट साइन किया है कि इसी पोर्ट को यूज किया जा सकता है, अमेरिकन शिप्स और वॉर प्लेन्स जो हैं इस पोर्ट को जो है यूज कर सकते हैं. ओमान में और भी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं लेकिन पोर्ट ऑफ ओमान जो है दुकम जो है पर्टिकुलरली वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये ओमान में है और यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये सदरन ओमान में पाया जाता है ऑन दी अरेबियन सी. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उससे सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में है इसके, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अरेबियन सी, अगर आप यहाँ पे दूसरी साइड घूम के जाते हैं तो यहाँ पे रेड सी भी है. ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये आपको याद रखना. अगला जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम गल्फ ऑफ एडन. तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है जो अभी हम डिस्कस करके हटे, यहीं पे दुकम पोर्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ से अगर हम घूम के आते हैं तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आता है. ये येमन कंट्री है जो, एंड यहाँ पे सोमालिया जो है और यहाँ पे जिबूटी है, इनके बीच में ये पाया जाता है और ये एक नेचुरल सी लिंक है. गल्फ ऑफ एडन प्रोवाइड करता है, ये रेड सी को अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है. तो पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या था, मेडिटेरेनियन सी है, फिर स्वेज कनाल है, फिर उसके बाद रेड सी आती है, उसके बाद यहाँ पे बैबल मंडेब आता है, गल्फ ऑफ एडन आता है, फिर अरेबियन सी आती है. तो इंडिया जो है इस एरिया में काफी एक्टिव रहा है क्योंकि सोमालिया के अराउंड जो है पायरेसी बहुत ज्यादा होती है. तो इंडिया इवन अब एक बिल भी लेके आया है, एंटी पायरेसी बिल भी लेके आया है. तो इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं बाहर, जो इंडियन शिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पायरेसी से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये एरिया तो काफी पायरेसी के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए ये काफी न्यूज में रहता है कि सोमालिया के जो पायरेट्स हैं यहाँ पे काफी अटैक करते रहते हैं. प्लस ये रूट जो है जो ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो सप्लाई है, इवन यूरोप से भी कोई सप्लाई है, तो उसके लिए ये वाला जो पूरा रूट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारे पास सऊदी अरेबिया. तो अगर अब आप इस मैप को देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ये सऊदी अरेबिया सेंटर में है और ये जो है अरेबियन पेनिनसुला का काफी पार्ट जो है कवर करता है. सऊदी अरेबिया के अगर आप इस साइड पे जाएंगे, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, इस साइड पे रेड सी आता है, यहाँ पे अरेबियन सी है. तो काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है सऊदी अरेबिया का. यहीं पे फिर गल्फ ऑफ ओमान भी है. तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया को कितना एक्सेस मिल रहा है बोथ रेड सी का एंड पर्शियन गल्फ का. इसके अलावा आप यहाँ पे कंट्रीज जो हैं जिनके साथ साथ इसका बॉर्डर लगता है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहरेन है, बहरेन के साथ बॉर्डर लगता है, काफी छोटी सी कंट्री है. एंड उसके बाद यहाँ पे इराक है, इराक के साथ बॉर्डर है.
उसके बाद ईरान के साथ बॉर्डर है, इराक के साथ बॉर्डर है, एंड उसके बाद जॉर्डन के साथ यहाँ पे बॉर्डर है, उसके बाद कुवैत के साथ बॉर्डर है, ओमान के साथ बॉर्डर है, एंड यमन के साथ बॉर्डर है इसका, यूएई यहाँ पे इन सब कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, काफी बड़ा टेरिटरी भी है, तो सऊदी अरेबिया इस कारण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके क्राउन प्रिंस जो है उन्होंने भी एक दो साल पहले जो है इंडिया को विजिट किया था। तो सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया को अच्छे रिलेशंस बनाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कंट्रीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई और यमन जो है इसके साथ इसका बॉर्डर लगता है। बहरीन जो है यहाँ पे बहुत छोटा सा कंट्री है, तो आप वहां पे देख सकते हैं, और ये जो कतर जो है ये भी बहुत ज्यादा छोटी कंट्री है। नेक्स्ट है हमारे पास ईरान। ईरान ने जो है 2019 में 40 साल सेलिब्रेट की है इस्लामिक रेवोल्यूशन के 1979 में, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे शिया जो डोमिनेंट जो है गवर्नमेंट रही है यहाँ पे, एंड ज्यादा रिलीजियस लीनिंग हो गया है वहां की गवर्नमेंट का, एंड रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड हो गया है। तो इसके कारण और भी ईरान जो है, बोला जाता है कि सऊदी अरेबिया के जो ऑयल फील्ड्स पे अटैक हुआ था, इट वाज बैक्ड बाय ईरान। तो ईरान जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो ईरान वेस्ट एशिया में, ये हम सबको पता है, बहुत मेजर वाटर बॉडी है कैस्पियन सी, उसको भी बॉर्डर करता है ये, एंड यहाँ पे बहुत मेजर है पर्शियन गल्फ, उसको भी बॉर्डर करता है ये, एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, वहां पे भी इसका बॉर्डर है। तो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं यहाँ पे लगती हैं। आपको अगर एग्जाम में ईरान ड्रॉ करना पड़ता है, जरूरी नहीं आपको मैप पूरा का पूरा याद होना चाहिए, आप ऐसे बॉक्सेस के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये ईरान है, यहाँ पे कैस्पियन सी है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। तो अगर आप ऐसे बॉक्सेस भी फॉर्म कर दोगे, बस अगर आपके माइंड में मैप है तो आप बना सकते हो, जरूरी नहीं कि प्रॉपर शेप भी बनाना है आपको, ठीक है। तो आपको पता होगा ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे पर्शियन गल्फ है, अब साइड पे गल्फ ऑफ ओमान है। अब कंट्रीज कौन सी बॉर्डर यहाँ पे कर रही हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे छोटी कंट्रीज हैं आर्मेनिया और अजरबैजान, उनके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है। उसके बाद यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है उनके साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो आप अगर क्लॉकवाइज याद कर ले बेटर है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ईरान का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। हम दोनों चीजें जो है इम्पोर्ट करते हैं, ऑल्दो यूएस के प्रेशर में आके हमने कई बार जो है इनके साथ जो अपना ट्रेड है वो कम कर दिया था। यहाँ पे अब हमारा जो चाबहार पोर्ट है वो फंक्शनल हो चुका है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के कारण हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, हम अफगानिस्तान का हमें एक्सेस मिल सकता है, फिर आगे जो हमारी CAR कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो सकता है। हमें यहाँ पे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की जरूरत नहीं है, हम सरकमवेंट करके सीधा यहाँ जा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा एक INSTC है, जो कि एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो इंडिया को रशिया के साथ कनेक्ट करेगा, तो ये उसका ही पार्ट होएगा। तो जो ईरान के अंदर बंदर अब्बास है वहीं से निकल के जाएगा जो हमारा INSTC है, जिसके कारण ईरान और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने चाबहार पोर्ट अभी देखा था, जो कि आगे जाके INSTC का पार्ट भी बनेगा। तो ये है हमारे पास चाबहार पोर्ट, यहाँ पे है, इसके बिल्कुल पास में ही लगभग 170 किलोमीटर दूरी है ग्वादर पोर्ट। तो अब हमें ये पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में नहीं एक्सेस नहीं दे रहा था, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ग्वादर पोर्ट के लिए हमारी हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान, ऑल्दो चाइना को इसका एक्सेस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली जो है चाबहार पोर्ट यूज करके अफगानिस्तान का जो है एक्सेस ले सकते हैं, और आगे जाके CAR कंट्रीज का भी एक्सेस ले सकते हैं। जो चाबहार है वो सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस जो है साउथ ईस्टर्न ईरान का, वहां पे फॉर्म होता है ऑन दी गल्फ ऑफ ओमान। ये जो एरिया है यहाँ पे ओमान है, ऊपर ईरान है, बीच में जो है गल्फ ऑफ ओमान है, वहां पे ये पाया जाता है। तो इंडिया ने इसके ऑपरेशंस टेक ओवर कर लिए थे 2018 में, एंड अब इसको ऑपरेट करता है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड IPGPL। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया के लिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी के लिए और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली हमारे पास चाबहार पोर्ट। अगला जो काफी न्यूज में रहता है इसराइल है, हमारे इसराइल के साथ जो है रिलेशंस अच्छे हैं, वी हैव बीन एबल टू डी हाइफनेट पैलेस्टीन का क्वेश्चन एंड इसराइल का जो क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे बार बार डिस्प्यूट के कारण न्यूज में आता रहता है, क्योंकि इसराइल और पैलेस्तीन का जो डिस्प्यूट है टेरिटरीज को लेके है। तो आप ये देखिए, ये जो पूरा मैप है ये आपको दिखाता है इसराइल, ये यहाँ पे बीच में है वेस्ट बैंक और यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप। तो इसराइल जो है यहाँ पे इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनान, यहाँ पे सीरिया एंड यहाँ पे जॉर्डन है एंड यहाँ पे इजिप्ट है। तो इसकी भी काफी लोकेशन ऐसी है, यहाँ पे ऊपर मेडिटेरेनियन सी है एंड यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा इसका कनेक्शन है दोनों जॉर्डन का भी और जो हमारे पास इसराइल है, दोनों ही रेड सी के साथ बहुत ही छोटे पॉइंट पे जो है कनेक्टेड है। और यहीं पे इनका जो इसराइल का डिस्प्यूट चलता है वो चलता है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप की टेरिटरी को लेके। पहले यहाँ पे पैलेस्तीन होता था एंड धीरे धीरे तो कितने सारे वॉर जो है काफी टेरिटरी जो है वेस्ट बैंक की भी जो है वो इसराइल ने कैप्चर कर ली है। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो है इसराइल है यहाँ पे बाहर वाला एरिया, एंड जो ग्रीन एरिया है ये पैलेस्तीनियन अथॉरिटी के पास है। वेस्ट बैंक भी जो पूरा का पूरा है वो पैलेस्तीन के पास नहीं है। ये जो आप देख सकते हैं ये जो रेड बॉर्डर है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ये पूरा वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में जो ग्रीन एरिया है वो पैलेस्तीन का है, गाजा स्ट्रिप है वहां पे भी पैलेस्तीन की अथॉरिटी है, लेकिन इवन इन द वेस्ट बैंक जो है काफी आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हैं, यहाँ पे इजरायली सेटलमेंट्स आ चुके हैं। तो इवन अब पैलेस्तीन का एरिया है कम होता होता काफी कम हो चुका है। तो ऑस्लो अकॉर्ड हुए थे 1990s के अंदर, जहां पे लीगल स्टेटस जो है पैलेस्तीन और इसराइल को दोनों को नेगोशिएट करके डिसाइड करना था कि वेस्ट बैंक किसका है, कौन सा एरिया किसका होगा, पैलेस्तीन को कितना एरिया दिया जाएगा, लेकिन ये जो है काफी टाइम तक डेड ही रही हैं ये जो नेगोशिएशंस हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 6 डे वॉर में इसराइल ने सिनाई पेनिसुला कैप्चर कर लिया था। सिनाई पेनिसुला जो है इजिप्ट और इसराइल के बीच में जो छोटा सा एरिया है वो कैप्चर कर लिया था, गाजा स्ट्रिप्ट कैप्चर कर लिया था इजिप्ट से, उसके बाद वेस्ट बैंक भी कैप्चर कर लिया था, ईस्टर्न जेरूसलम भी कैप्चर कर लिया था जॉर्डन से, एंड गोलन हाइट्स जो है वो भी सीरिया से कैप्चर कर लिया था। जो अभी तो जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है ये तो अभी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर है मेजरली, लेकिन जो गोलन हाइट्स है उसे यूएस ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज कर लिया है कि वो इसराइल की टेरिटरी है, जबकि सीरिया बोलता है कि वो हमारी टेरिटरी है। और जो इसराइल है ज्यादातर जितनी भी वहां पे एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज की वो तेल अवीव में है, लेकिन जो इसराइल है वो अपनी कैपिटल जो है वो जेरूसलम को मानता है, एंड इवन जो यूएस है उसने भी अपनी जो एम्बेसी है वो तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट कर ली है, लेकिन वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास जॉर्डन। जॉर्डन जो है ये आपको पता है कि इसका इसराइल के साथ बॉर्डर तो लगता ही लगता है, इसके अलावा किसके साथ है, सीरिया के साथ, इराक के साथ एंड सऊदी अरेबिया के साथ इसका बॉर्डर है। आप क्लॉकवाइज ही सबको याद कीजिए, लेबनान के साथ नहीं है, लेबनान काफी दूर है और ये वो गोलन हाइट्स है जिसे इसराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये गल्फ ऑफ अकाबा है, जब अब रेड सी खत्म होता है तो उसके ऐसे दो जो है साइड्स निकलते हैं, तो ये वाला जो है गल्फ ऑफ अकाबा है, ये जो है गल्फ ऑफ सुएज है। तो जो गल्फ ऑफ अकाबा है इसके साथ जो है जॉर्डन जो है वो रेड सी के साथ कनेक्टेड है, ये इकलौता आउटलेट है जॉर्डन का सी के साथ। एंड जो इसराइल है और जॉर्डन है उनके बीच में ये डेड सी है, विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। अगला हमारे पास जो लास्ट आज के लिए जो चीज न्यूज में थी, प्लेस इन न्यूज था, वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है 2018 में काफी न्यूज में आया था क्योंकि एक कन्वेंशन हुआ था ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ कैस्पियन सी। तो ये किन्होंने किया था ये कन्वेंशन, ये जो इसकी बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं उन्होंने किया था। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, यहाँ पे देखिए रशिया, यहाँ पे है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और यहाँ पे है अजरबैजान। तो इनका बॉर्डर लगता है, इन्होंने मिलके एक कन्वेंशन साइन किया कि ना तो कैस्पियन सी एक सी है ना ये एक लेक है, क्योंकि अगर इसको लेक अगर हम बोल देते हैं तो उसका मतलब होता है कि सारी कंट्रीज को रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड करने पड़ते अगर इसको लेक बोला जाता। अगर इसको सी बोला जाता तो ये यूएन क्लॉज के अंडर आ जाता। तो फिर उन्होंने बोला कि ना ये सी है ना ये लेक है, ये एक अलग एक लीगल एंटिटी है और इसके रिसोर्सेज किसके बेसिस पे डिवाइड होंगे कि किसका कितना बॉर्डर लगता है, कितना कोस्ट लाइन है, जिसका ज्यादा कोस्ट लाइन है उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जिसका छोटा
जो कोस्ट लाइन है उसको उतने ही रिसोर्सेज मिलेंगे कैस्पियन सी के अंदर। तो जो कैस्पियन सी है ये सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक बोला जाता है इसको बाय एरिया एंड बाय वॉल्यूम ऑल्सो, एंड इट इज रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसके कारण इतना जो है इस पे डिस्कशन हुआ है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हैं तभी तो वो रिसोर्सेज को डिवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद इसमें मेजर जो है काफी रिवर्स फॉल करते हैं इसके अंदर, क्योंकि कहीं और तो कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो मेजर जो सोर्स है पानी का वो जो रिवर्स आती हैं एम्प्टी करती हैं खुद को यहाँ पे। तो रशिया की दो रिवर्स हैं वोल्गा, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है वो यहाँ पे आके फॉल करती है, रशिया की वोल्गा, टेरेक वो भी रशिया की है, उसके अलावा उराल है जो कजाकिस्तान की है, और कुरा है जो अजरबैजान की है, वो यहीं पे आके फॉल करती हैं। तो ये हमारे पास वो वाले एरियाज थे जो न्यूज में रहे हैं जो मिडल ईस्ट एंड सराउंडिंग एरिया से रिलेटेड हैं। ऐसे ऐसे करके हम सारे जो भी एरियाज न्यूज में रहे हैं इंडिया में, एशिया में, यूएस में, सब हम ऐसे ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।